हम बिहारी लोग बिहारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। आज के दिन नीतीश को हम सभी लोगों ने मान लिया है। बिहार की 12.5 करोड़ जनता या जो भी जनसंख्या लोग आगे पीछे बोलते हों, अपना प्रधानमंत्री दिल्ली में देखना चाहते हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड कौन हुआ कि हम थर्ड हो जाएंगे, हम लोग का फ्रंट फर्स्ट है। उन लोग के हिसाब से दूसरे वालों के लिए हिसाब से उनका भी मेन फ्रंट होगा, हमें इतराज नहीं है। मेन फ्रंट है हम लोग का, इसलिए जनता का फ्रंट है। अच्छा, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उसका कहना है कि एक तरफ उनके राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं 2024 को लेकर। हम बिहारी लोग बिहारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। बिहार की कोई दूसरे प्रदेश के प्रधानमंत्री चाहते हों, हम लोग को इस पर कोई क्या उनसे बहस है। गुजरात के लोग गुजराती को प्रधानमंत्री बनाने में गर्व का महसूस करते हैं। इस बिहार ने आज़ादी की लड़ाई का सबसे मुख्य भूमिका निर्वाह किया हो, जहाँ जयप्रकाश इस धरती पर संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित होने किया, प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया। उसी बिहार में पहली बार वह अपने प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जगी है और बिहार की 12.5 करोड़ जनता या जो भी जनसंख्या लोग आगे पीछे बोलते हों, अपना प्रधानमंत्री दिल्ली में देखना चाहते हैं। जिस तरह से ये बिहार देश की अगुवाई करता रहा है और पूरे परेशान हुए इस मुल्क को दंगाइयों उन्वादियों से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार ने एक बार फिर कमर कसी है और बिहार का नेतृत्व इस देश का नेतृत्व प्रदान करेगा, इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत। क्या हर स्टेट, जैसे आपने कहा कि बिहार के लोग बिहार के रूप के प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, क्या अब ऐसे ये बात हुई, क्या उनको सर्वमान्य नेता माना जाएगा पूरे देश में? बिहार के तरफ से आज के दिन नीतीश को हम सभी लोगों ने मान लिया है। गुजराती प्रधानमंत्री को भी गुजरात के लोग और भाजपा के लोग ने सामने रखा, समाजवादियों ने श्री नीतीश कुमार को आगे रखा है। तो क्या बिना लड़े नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आज भी हैं? नहीं, उस तरह से लड़ाई तो है।